हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी के लिए मैं एक रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है? कैसा फील कर रहे हैं, दिल से सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। तो काफ़ी टाइम हो गया था इस टॉपिक पर रीडिंग नहीं की है। चलिए देखते हैं क्या अपडेट आया आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, ठीक है? तो क्या सोच रहे हैं दिल से आपके बारे में, यही बातें पता करते हैं। तो गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस है ये रीडिंग। जब भी आपको मिले आप देख सकते हैं इसको। और रीडिंग के एंड में मैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी पिक करना चाहूंगी, आपको क्या कहेंगे आपके पार्टनर, ठीक है? चलिए ट्रू लव और एकल डेक से सबसे पहले देख लेते हैं। बाउंड्रीज, ओके। यिंग एंड यांग, वर्थीनेस, वाओ। Distorted masculine. Okay. Inner peace. Creativity. Word on the deck says sacred woman. Guys, ये person तो आपके दिल से respect करते हैं, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। चाहे आपका कनेक्शन अभी है या नहीं है, पर ये आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत आपकी वर्थ को समझते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है ना, अपनी लाइफ में काफ़ी परेशानियां देख रहे हैं। आप इस कार्ड से इमेजिन कर सकते हैं इस पर्सन की सिचुएशन, कि ये पर्सन कितनी हार्डशिप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। स्टिल ये ट्राई कर रहे हैं कि ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आएँ, चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लें और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बन जाएं, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को थोड़े से टाइम की ज़रूरत है। इस पर्सन ने इसी अपने खुद के पर्सनल इश्यूज की वजह से ही ना आपके साथ बाउंड्री बनाई है इस पर्सन ने, ठीक है? बाउंड्री बनाई है। इवन इस पर्सन को रियलाइज होता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन का, और आप आपको लेके काफ़ी अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन को मिलती है आपसे, ठीक है? जो इनको हील करने में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपको बहुत इनोसेंट मानते हैं, एट द सेम टाइम बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, नर्चर मानते हैं। आप जब कभी भी आपको देखते हैं तो आपकी ब्यूटी को भी एडमायर करते हैं ये पर्सन, और डेफिनेटली आप में खो जाते हैं। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है? आपके साथ काफ़ी क्रिएटिविटी मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आप दोनों ही क्रिएटिव पर्सन हैं, दोनों ही आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग वगैरह करना पसंद है या फिर खुद का बिजनेस करना पसंद है। लेकिन यस, आप दोनों बहुत क्रिएटिव हो और आपके साथ कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं ये पर्सन, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को ना इनर पीस की ज़रूरत है। इस पर्सन को इसके खुद के स्पेस की ज़रूरत है जहाँ पर ये अपने इश्यूज़ को शॉर्ट आउट कर सके, ठीक है? अपने हार्डशिप्स को हैंडल करके डेफिनेटली एक पीस वाले फेज में एंटर कर सके। ये सब चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं। आपको तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस और बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ही एक प्योर पर्सन समझते हैं ये। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, नो डाउट कि यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में। और ये दिल से सच में आपके बारे में कभी बुराई भी नहीं करते होंगे, किसी से भी बुरा नहीं कहते होंगे, अच्छा ही कहते हैं आपके बारे में। वेट अ सेकंड गाइस, अभी टैरोट से देख लेते हैं क्या आता है। Thank you.
ओके जस्टिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके वी हैव सम कार्ड्स हियर, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं ले लेती हूँ उनको. ओके देखिए यहाँ पर कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं. देखो ये पर्सन नो डाउट कि आपसे भाग रहे हैं, बाउंड्रीज इस पर्सन ने बना ली है, ठीक है. और हो सकता है कि ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है इस पर्सन के लिए. देखो आपके रिस्पेक्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन ये ऐसा भी सोचते हैं कि हो सकता है कि मतलब इनको अजीब सी घबराहट होती है इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन के बारे में सोचकर, ठीक है. समटाइम्स ये चाहते हैं सॉरी बोल दें आपको और सब कुछ शॉर्ट आउट कर लें, लेकिन फिर इनका ईगो इनके सामने आ जाता है, फिर ये सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है. और दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोचते हैं, लाइक कोई और पर्सन मिल जाएगा जिसके साथ ये टाइम स्पेंड कर लेंगे, ठीक है. ऐसा भी होता है कभी कभी, फिर इनको होता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, आपके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, आप जितना सोचते हो उसके बारे में इसको भी थोड़ा कंसर्न लेने की ज़रूरत है, ठीक है. इसका मतलब बनता है आपके बारे में भी सोचना. फिर कभी कभी इसका मन करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं करना है ये सब कुछ. कभी कभी इनका जस्टिस देने का मन करता है आपको कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको लगता है कि इसने गलत करा है, ठीक है. तो जो भी है इसकी फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा ना मतलब चेंज हो जाते हैं टाइम टाइम पर. लेकिन जो भी है आप दोनों को मैं टेलीपैथिकली कनेक्ट देख रही हूँ और आप दोनों के इंट्यूशन ही ना आप दोनों को एक करते हैं, ठीक है, इन 5D कनेक्शन में. और डेफिनेटली गाइज, और यहाँ पे स्ट्रेंथ आप बना के रख रहे हो आपके पार्टनर भी, क्योंकि इस कनेक्शन को समझना और इस कनेक्शन को डीपली समझना इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, यूनिवर्स द वर्ल्ड यहाँ पर है जो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं. और जस्टिस डेफिनेटली होगा गाइस, जस्टिस डेफिनेटली होगा. ये पर्सन खुद आएंगे, खुद आपको सॉरी बोलेंगे, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ. अदरवाइज आपके पार्टनर अभी देखो पूरी तरीके से अपना माइंडसेट तो क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन कभी इनका मन करता है आपको जस्टिस देने का, कभी ये पीछे हट जाते हैं. इनकी फीलिंग्स कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसे ही पर्सन सोच रहे हैं. लेकिन यस, अगर मैं कहूँ तो प्यार अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लेकर हेट है इसके मन में, इसके दिल में करवाहट है आपको लेकर, नो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. आपका जो वैल्यू है ना इस पर्सन की नज़रों में वो बहुत ऊपर है, ठीक है. काफ़ी अगर रिस्पेक्ट करते हैं आपकी ये पर्सन. और देखते हैं यहाँ से क्या आता है, लेट्स सी. या क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट बहुत है इस पर्सन के मन में, ठीक है. आपको भले ही चाहे इस पर्सन, देखो उसको आपको छोड़ करना या बाउंड्रीज बना के, ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन बहुत खुश है. रिग्रेट होता है इस पर्सन को, बहुत अकेला भी फील करते हैं ये पर्सन, पर ये आ नहीं रहे हैं आपके पास, वो बात अलग है. तो डोंट वरी गाइस, पर मैं इस पर्सन को आते हुए भी देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स. मुझे लगता है कि फ्यूचर में 100% ये पर्सन आएंगे, स्लोली बट श्योरली ये पर्सन आएंगे आपके पास. एट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पर बहुत जल्दी मिल जाएगी. आप मैनिफेस्ट, वाओ, जजमेंट बिल्कुल मिलेगी गाइस, जजमेंट होगा, क्लियर होगा बहुत जल्द आपको सब कुछ. अनहैंगमेंट, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा डिले है ही, जजमेंट होने में अभी भी थोड़ा सा डिले है, तो ये डिले तो आपको थोड़ा फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ मैं, फिर आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस देखेंगे, एंजल क्या बताएंगे आपको. ओके डिसीट नंबर 25, द सन,
एंड अटैचमेंट। आपको लगता है कि पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग करी है, नहीं, ये सब कुछ हुआ है ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें खुद में, ठीक है, अपनी हीलिंग, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कर सकें, ये इसलिए हुआ है। अदरवाइज आप दोनों को एक दूसरे से अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मैं थोड़ा भी नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल आप इस सन के आने का वेट करें अपनी लाइफ में, थोड़ा सा डिले है तो उसको बर्दाश्त कर लें, एडजस्ट कर लें टाइम के साथ, अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा आपके लिए है इस कनेक्शन में। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से ना मैसेजेस देख लेते हैं क्या कहेंगे आपको। ये मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम स्केर्ड आई विल लूज यू, तो इस पर्सन को काफी डर लगता है कहीं आपको खो ना दे। सेल्फ स्टीम इश्यूज, मैंने कहा ना ईगो प्रॉब्लम तो है इस पर्सन में, है इस पर्सन के अंदर। आई एम नॉट ब्लाइंड टू द साइंस, आई डू सी देम, डेफिनेटली इस पर्सन को साइन भी मिल रहा है। आई एम जेलस ऑफ पीपल हु गेट टू सी एवरी डे, तो उस पर्सन से, उन पर्सन से काफ़ी जेलस फील करते हैं ये, जो आपको रोज देख पाते हैं पर ये नहीं देख पाते। आई मे नॉट बी ऑलवेज देयर विद यू बट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, तो अभी आपके साथ नहीं हो सकते लेकिन फ्यूचर में हमेशा आपके साथ रहेंगे। आई कॉन्ट वेट फॉर द डे आई कैन कॉल यू माई वाइफ, तो डेफिनेटली इस पर्सन को उस दिन का वेट नहीं होता, मतलब नहीं कर सकते उस दिन का वेट जब भी आपको वाइफ कहेंगे, तो उनको जल्द से जल्द आपके पास आना है। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, तो इस पर्सन को पता था ये क्या कर रहा है। आई एम फीलिंग इमोशनली एम्प्टी, डेफिनेटली गाइस हर्मिट का कार्ड आया था, इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं ये पर्सन। आई हैव एन ऑफर फॉर यू, डेफिनेटली जब भी आएंगे आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफर गिफ्ट लेकर आएंगे। माई हार्ट हर्ट्स, इस पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा। आई हैवन्ट गिवन अप, ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आएंगे ये पर्सन। वेन वी डोंट स्पीक इट किल्स मी, तो जब भी आप दोनों बात नहीं करते हैं ना ये चीज़ इसको मारती है। यू मेड मी हु आई एम टूडे, तो आपकी वजह से ये जो भी हैं आज हैं, ठीक है। यू आर माइंड एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स टूडे टूमोरो एंड फॉर एवर, वाओ, तो ये कह रहे हैं कि आप इनके हैं और ये भी हमेशा के लिए आपके ही हैं, ठीक है, कल आज हमेशा आप दोनों एक दूसरे के हैं। लेट्स सी मोर, यू आर वेरी फॉरगिविंग, तो आपको, आप इस पर्सन को पता है जब भी आपके पास आएंगे आप इन्हें माफ कर देंगे। एंड यू नो बेटर देन एनीवन एल्स, एंड यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, You are my best friend. You appreciate me. And you are my soulmate. देखो अपना soulmate भी कह रहे हैं आपको। तो definitely guys, देखो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा love तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ respect देख रही हूँ। और इस person को कहीं ना कहीं दिल से feelings हैं कि definitely आप इसके बहुत special person हैं और ये कुछ ना कुछ करेंगे आप ताकि आप दोनों एक हो जाए। तो गिव अप ना करें, सन के आने का वेट करें, पेशेंस रखें। अगर आप इस पर्सन को, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन अगर इसे मानते हैं तो, ठीक है। तो गाइज ये है आपके लिए रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।